नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। दिल्ली के सुबोध भाटी ने बनाए 205 रन T20 में। दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने दोस्तों। दूसरे नंबर पे है गेल 175 रन के साथ। बात करेंगे दोस्तों गेल और सुबोध भाटी की इस वीडियो के अंदर में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दिल्ली के सुबोध भाटी T20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एक क्लब T20 टूर्नामेंट में 79 बॉलों पर 205 रन की नाबाद पारी खेली दोस्तों। इसमें उन्होंने 17 छक्के और 17 चौके लगाए। सुबोध की पारी के बदौलत दिल्ली 11 की टीम ने सिम्बा के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 256 रन का टोटल स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों। सुबोध के बाद T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 66 गेंदों पर 175 रन बनाए थे। पर दोस्तों जब क्रिस गेल ने इतना स्कोर खड़ा कर दिया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि T20 में भी डबल सेंचुरी कोई लगा सकता है। पर दोस्तों सुबोध भाटी ने करके दिखा दिया। T20 फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाकर वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और वो भी दोस्तों उन्होंने 205 रन बनाए, वो भी नाबाद बगैर आउट हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी अपडेट। आप क्या सोचते हैं सुबोध भाटी को लेकर दोस्तों, और उनकी इतनी बेहतरीन पारी को लेकर, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।